लिखा ए। ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है? इंटीजर। तो आपने पहले डबल कोट्स के अंदर टाइप लिखी कि इस टाइप का वेरिएबल आएगा आपके पास प्रिंट होने के लिए, और फिर कॉमा लिख के कॉमा लिखकर आपने वो वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि वहां पे आपको प्रिंट करना है। अगर आप यहां टाइप स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे तो प्रिंट एफ आपके लिए ये प्रिंटिंग का काम नहीं करेगा। यही काम सी आउट में आसानी से हो जाता है। सी आउट आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप वेरिएबल की टाइप मुझे अलग से बताएं, वो इसको ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर लेता है, राइट। इसी तरीके से दूसरी लाइन है प्रिंट एफ की, उसके अंदर हम एक डबल टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, राइट, बी। और उसके लिए जो टाइप स्पेसिफायर हमने स्पेसिफाई किया वो है परसेंटेज एफ, राइट। परसेंटेज का मतलब क्या है? हम टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। एफ का मतलब क्या है? कि जो टाइप हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। सी आउट में हमें टाइप स्पेसिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। आमतौर पर आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे? हम आमतौर पर प्रिंट एफ का इस्तेमाल तब करना चाहते हैं जब हम टाइप स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अदरवाइज यू आर गुड टू यूज सी आउट वर्चुअली एवरीवेयर। लाइक आप अपनी सारी प्रोग्रामिंग फिलहाल जो आपको करनी है प्रिंट एफ के बगैर कर सकते हैं। यू कैन यूज सी आउट एवरीवेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंसर्न। एनी क्वेश्चन? ओके, लाइक सो नाउ दिस इज एज आई टोल्ड यू, लाइक टाइम इन टाइम आउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल अपीयर इन योर माइंड एज क्वेश्चन, and the most common question which will apply to every situation is somebody created C++ as a language. So just imagine you are creating C++ or C, right? So when you are creating C language, you like go through some practical problems. Okay, yahan ye problem hai, isko kaise handle karna hai, isko aise handle karna hai. So there was a point when you were thinking as a developer that we have to specify the type, right? You said, okay, how would I specify the type? This symbol is used for that, this is used for that. So what is an appropriate symbol to specify the type? Out of so many symbols, you chose percentage. That, okay, I will be specifying the type using percentage. Then you said, okay, there will be different types, and you have to further specify that which type of data is it. तो आप कहते हो अच्छा मुझे एक और सिंबल इस्तेमाल करना है, राइट। नाउ वाई डी, वाई नॉट एफ, वाई नॉट ए, वाई नॉट लेस देन सिंबल? सो देयर कैन बी लाइक इनफिनिटेसिमल पॉसिबिलिटीज टू गो विद, यू हैव टू पिक वन, राइट। सो इट्स दैट अ डिजाइनर पिक्स वन सिंबल। देयर वुड बी सम थॉट इन हिज माइंड व्हेन ही वाज पिकिंग डी फॉर लाइक इंटीजर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू वुड से ओके वाई नॉट आई फॉर इंटीजर्स, or why not like D for doubles and F for floats, right? So it's just the choice that the developer has made, and there must be some intuition in his mind. Now that it is not necessary that everybody feels complacent with it, right? In fact, जब लोग नई programming languages बनाते हैं तो उनमें बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन ये होती है कि उनको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही होती, एंड दे फील दैट दीज थिंग्स नीड डिजाइन अल्टरेशन। सो लाइक दे जस्ट टेक अप द सोर्स कोड ऑफ दैट लैंग्वेज, डू सम मॉडिफिकेशन एंड क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ दैट। सो हाउ इज सी प्लस प्लस क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड प्योरली आउट ऑफ सी लैंग्वेज। सो सम एक्सटेंशंस आर डन टू सी लैंग्वेज एंड क्रिएटेड created C++, right? मिसाल के तौर पे C++ आपको C out दे रही है, so that means that the designer of the C++ thought that no printf is little too tedious to handle. Let's make it simple for the developer. Let's give C out and let's like take away this need of specifying the type. Let the language handle this issue of like data type inference, right? For example, Python है. So like somebody created Python. Now there was like
a Japanese developer who was like feeling that okay, these things if change will look good. So he just changed the design of Python a bit and created a new language named Ruby. And Ruby is quite popular in web development, right? So like this question, that why was it first percentage? Like even you can talk about, why do we need to specify the data type, right? If C++ is happy without specifying the data type, why does it require that? So the thing is, when things begin, they are in different shape. But when you move on, you like keep discovering new little eases that you can create for the programmer and they happen. But at the back end, you always have to specify, you have always have to be very specific about things. Because computer languages are not like human languages. You cannot leave out any ambiguity there, you have to be very specific. Right? Okay. अब like it just asks a few questions that you will answer on Codio, that अगर आप एक variable integer type का लेते हैं और type specifier गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप एक integer को print करने के लिए type specifier d की बजाय f इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? Right? Now the thing is again, there is one thing that you expect, right? And there is one thing that the language does. It might do according to your expectation, it might do something different, right? Because the possibilities are there. So for example, C, printf ke case mein, agar aap galat type specifier denge, to wo usse kabool nahi karega. I will say, no, you have to specify the right type specifier for it. If you are typing integer, you have to give D there. If you are typing float, you have to give F there. If you give F in place of D, it will have problem. If you give D in place of F, it will have problem, right? But in general, I would say, you can use Cout without any problem. You will just have a little bit of like line writing for print app as well, just to get the taste of it. But primarily you can use Cout without any problem and like keep working with it. Okay, like let's talk about incrementing variables. That's something. So let's create a variable int a is equal to 1. Right? And now I'm writing something interesting. A is equal to A plus 1. What will happen now? What will be printed? 2. Right? Will it print 2? How is it like doing? अब हमने एक integer type variable declare किया a is equal to 1. Then we said okay, a is assigned. You know this is not equality. This is assignment. जो single equal होता है programming के अंदर उसका मतलब assignment होता है. Equality comparison नहीं होता. So हम कहते हैं a is assigned. हम अक्सर इसको is equal to पढ़ लेते हैं, but like it actually means assignment. So A is assigned A plus 1. तो आप यहां क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं A की पुरानी वैल्यू लीजिए, उसमें 1 जमा कीजिए और उसको वापस A में ही स्टोर कर दीजिए. क्योंकि वेरिएबल क्या है? मेमोरी के अंदर कोई जगह है, ठीक है, जिसका नाम आपने A रखा हुआ है, ठीक है. तो A में कुछ पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं वो जो पड़ा हुआ है ए में उसे रीड कीजिए, उसमें 1 का इजाफा कीजिए और दोबारा वहीं लिख दीजिए ए के अंदर ही, राइट? अगर मैं इसकी बजाय यूं लिखूं, आई से int बी, और मैं बी को इनिशियलाइज नहीं करता. आपको पता वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उस वक्त इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता, चाहे तो कर सकते हैं, और इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें क्या वैल्यू होगी? गार्बेज, क्योंकि उसमें पुराना कोई 0-1 का कॉम्बिनेशन पड़ा होगा, हमें नहीं पता वो क्या है,
बट हमने नहीं लिखा तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट गार्बेज राइट ओके अब अगर मैं यूं लिखता हूं दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन एंड सॉरी आई मिस सेमीकॉलन यू नो इफ यू मिस सेमीकॉलन हाउ इजी इज इट रियली फॉर यू टू लाइक मिस अ सेमीकॉलन एंड देन हाउ इजी इट इज टू गेट स्लैप with full power from the computer. You know, it's like quite brutal at giving you error and it like doesn't give you a simple error, it says something like it's as if ke jaise hota na mohalle mein ek banda hai usko aap thoda sa kuch keh dein to wo sari duniya ki dictionary ki galiyan aapko nikal deta hai and you say like how mad a guy is it aap aise hi kehte hai na right So like language compilers are like that. तो आप लोग क्योंकि तहजीबी आपका लोग हैं तो आपको इतनी सुनने की आदत नहीं होती So like that's why. या ये कि आप कहते हैं जितनी कोई सुनाएगा उतनी हम भी सुनाएंगे तो ये तो नहीं सुनता कहते जाओ अपने घर जाओ मेरे से तो यही मिलेगा और मेरे मुझे तुम वापस कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आई एम नॉट अ ह्यूमन आई डोंट हैव इमोशंस तो कंप्यूटर का जवाब आपको हमेशा ये होता है आप उसको 25,000 गालियां दें तो आपको जवाब में क्या कहता है जो कहता है वही होता है सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू विल रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर राइट लेकिन वो जो आपको कह रहा है वो आपको हर्ट करेगा बिकॉज यू आर ह्यूमन यू हैव इमोशंस कंप्यूटर्स डोंट हैव ओके अब आपको ये बताना है हमने ये प्रिंट किया हुआ है आई एम ड्राइंग लाइक दीज लिटिल वेरिएशंस एंड लेट्स से आई एम प्रिंटिंग बी हियर बताइए क्या प्रिंट होगा पहले टू होगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर से टू टू प्रिंट होगा ए में फोर बी में थ्री प्रिंट होगा ए में टू प्रिंट होगा जी और बी में थ्री तो अब्दुल मजीद कहते हैं कि ए में टू प्रिंट होगा जब आप ए प्रिंट करेंगे तो टू प्रिंट होगा और जब आप बी प्रिंट करेंगे तो थ्री प्रिंट होगा क्या अब्दुल मजीद ठीक कह रहे हैं कोई अब्दुल मजीद से डिसएग्री करता है मजीद तुम्हारे पास पिस्तौल तो नहीं है अभी अगर किसी के पास पिस्तौल है तो डिसएग्री तो नहीं कर सकते बीको शीको तो नहीं है तुम्हारे पास So, सबको ऐसा ही लग रहा है कि ए में टू और बी में थ्री होगा ओके बी में टू भी हो सकता है अच्छा चलिए चलिए अब हम इसको फिगर आउट करते हैं बिफोर वी रन इट लेट्स फिगर इट आउट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए जिसकी वैल्यू है वन ठीक है फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो बी में क्या पड़ा हुआ है हमें नहीं मालूम It could be anything, right? Okay. इसका एक अच्छा तरीका ये है हम ऐसे करते हैं कि यहां पे b को कोई वैल्यू दिए बगैर पहले इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि b में वो जो गार्बेज वैल्यू हम कह रहे हैं जो हमें नहीं मालूम वो क्या है ठीक है अच्छा फिर हमने क्या किया a is assigned a plus one. तो a की वैल्यू क्या थी पहले वन वन में क्या ऐड किया वन ये क्या हो गया टू इसको कहां स्टोर कर दिया वापस ए में तो ए की वैल्यू क्या हो गई टू अच्छा फिर आपने लिखा बी इज इक्वल टू ए प्लस वन ए की वैल्यू क्या है टू ए की वैल्यू टू हो चुकी है ना अब आप ए को रीड कर रहे हैं तो ए की वैल्यू ए में तो आप टू स्टोर कर चुके हैं ठीक है टू में आपने क्या ऐड किया वन ये क्या हो गया थ्री तो बी में क्या स्टोर कर रहे हैं अब आप थ्री अब जब आप ए प्रिंट करेंगे तो टू प्रिंट होना चाहिए बी प्रिंट करेंगे तो थ्री प्रिंट होना चाहिए डज इट मेक सेंस और इज इट नॉन सेंस बोलिए 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 लाइक व्हाई इज इट नॉन Like from computer, like my answer is obviously sober, but computer's answer is same to you, right? Okay, like why does it look inappropriate to you? Speak out.
बोलिए बोलिए, जस्ट डोंट होल्ड इट. इसका मतलब फिर तो वेरिएबल्स हो ही नहीं सकते. अगर आपकी इस बात से एग्री कर लें तो उसका मतलब तो ये है कि फिर तो वेरिएबल्स हो ही नहीं सकते. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू को वेरी किया जा सकता है. तो जो आप कह रही हैं इसकी रूह से तो वेरिएबल वेरिएबल हो ही नहीं सकता. आपने एक लाइक वेरिएबल नहीं कहना चाहिए, कॉन्स्टेंट ही कह लें फिर उसे. आपने एक नेमोनिक को, एक नेम को कोई वैल्यू दे दी, अब उसकी वैल्यू तब्दील हो ही नहीं सकती. सर, हमने पढ़ा था कि वैल्यू को प्रेजेंट कैन बी चेंज, तो यही कर रहे हैं तो ठीक नहीं है. ठीक है ना, लाइक इट्स अ वेरिएबल. So like how is it like appearing in the memory? Memory में कैसे appear होता है एक variable? That's important. Let's just like draw it in the memory and see like how does it work. So for example, हमने एक variable declare किया. सबसे पहले int a is equal to 1, right? Let's make it like there is like a mirror memory named RAM. जब आपने ये लिखा int a is equal to 1, तो एक integer type का wrapper या कंटेनर मेमोरी में रिजर्व कर दिया गया. इसका नाम रख दिया गया ए. इसमें वैल्यू क्या दे रहे हैं? 1. नाउ दैट विल बी इन बाइनरी फॉर्म है, लाइक हम तो डेसिमल में लिख देते हैं, लेकिन बैक एंड पे जा रहा है बाइनरी वैल्यू होगी व्हिच विल बी रिप्रेजेंटिंग 1, राइट? ओके, कोई निकम्मे सी यार, इसको कौन पैर मार रहा है? ओके, so now you are declaring next variable int b. So like in memory, हमें नहीं मालूम कि memory में जगह कैसे allocate होती है. We are not messing with that. हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ हो जाती है. ठीक है, so there is another container named b and we don't know what value is in this. So चूंकि हमें नहीं मालूम तो हम आम तौर पर जिस value का हमें नहीं पता हम कह देते हैं कोई garbage value पड़ी हुई है, कूड़ा छूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो घोड़ा तो हर घर में होता है, रोज एक बास्केट निकलती है, राइट? ओके, सो लाइक इट्स लाइक अननोन थिंग, इट्स नॉट ऑफ यूज टू अस, सो दैट्स व्हाई वी से इट्स सम गार्बेज. अभी हम प्रिंट करके देखेंगे कि इसमें बाय चांस क्या पड़ा हुआ है, राइट? वो डिपेंड करता है कि जिस जगह आपको मेमोरी एलोकेट हुई है वहां जो भी चीज पड़ी थी वही आपको मिलेगी, राइट? ओके, अब आपने क्या किया, इसको प्रिंट किया, तो बी में क्या वैल्यू प्रिंट होगी? We don't know. It will be some unknown value. We are not sure about that. It could be anything. We will see कि ये क्या print होता है. उसके बाद आपने लिखा कि A में करें एक का इजाफा. आपको पता है जब expressions को evaluate करते हैं तो right hand side evaluate होती है और left hand side में उसका जवाब चला जाता है. तो आप ये कह रहे हैं कि A में करें एक का इजाफा. A में क्या है? एक. A में किया एक का इजाफा, वो क्या हो गया? दो. और वापस कहां स्टोर कर दे? ए में ही. तो यहां क्या हो जाएगा? दो. फिर आपने कहा बी इज इक्वल टू ए प्लस वन. अब पहले ए को रीड करें. ए में क्या है? दो. दो में एक का इजाफा किया, ये क्या हो गया? तीन. और इसको कहां स्टोर कर दिया वापस? तो यहां जहां पहले हमारे पास कोई अननोन वैल्यू पड़ी थी यहां आ गया तीन. डज इट मेक सेंस नाउ? Okay, let's just see that what gets printed now. तो अब हमें A और B की जो बाद की प्रिंटिंग है उसका तो पता है कि उसमें 2 और 3 प्रिंट होना चाहिए. ऊपर B में क्या प्रिंट होगा ये हमें पता नहीं है. Okay, let's just it's awful. Okay, so कंपाइल करेंगे. कंपाइल करना हमेशा क्यों जरूरी होता है? जब भी प्रोग्राम चेंज किया तो दोबारा ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी. ओके, अब देखिए
पहले डी प्रिंट किया था उसमें क्या प्रिंट हुआ 6422356. नाउ दिस इज दैट गार्बेज वैल्यू जो वहां पहले पड़ी हुई राइट. और हर बार ये वैल्यू ये अगर यही मेमोरी दोबारा एलोकेट हो जाए तो ये वैल्यू मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज देयर राइट. सो दैट्स द गार्बेज वैल्यू द सरप्राइज फैक्टर द अननोन थिंग इट कैन बी एनीथिंग. उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है 2 बिकॉज ए में हमने एक का इजाफा किया था फिर बी में एक ए में मजीद एक इजाफा करके बी में स्टोर किया था तो उसमें क्या आया 3. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड राइट. आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें तो बेहतर है उनको इनिशियलाइज भी कर दें. मिसाल के तौर पे आपने यहां बी को डिक्लेयर किया अब आपको बी के बारे में अभी पता नहीं है कि आपने इसको क्या वैल्यू देनी है ये बाद में कहीं इस्तेमाल होगा तो जाहिर है इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी. तो लाइक समटाइम्स इट इज गुड कि आप उस गार्बेज वैल्यू को ओवरराइड कर दें. तो अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू अभी क्या क्या है बाद में असाइन होगी मे बी इट इज अप्रोप्रिएट कि आप उसे जीरो से इनिशियलाइज कर दें अभी राइट. अप टू यू राइट. इफ यू आर लीविंग इट अनइनिशियलाइज्ड बी नोन बी लाइक अवेयर दैट इट विल हैव अ गार्बेज वैल्यू अदरवाइज यू कैन इनिशियलाइज इट टू लाइक सम सेफ टोकन व्हाटएवर यू फील अप्रोप्रिएट राइट. ओके Now this operation that you saw here is called incrementing a variable. So in this case you are incrementing the variable by 1. Right? Incrementing ka kaam aap zara short tarike se yun bhi kar sakte hain. This is exactly the same as writing a is equal to a plus 1. आपको पता है ना ये comment लिखा है मैंने. Compiler इसको read नहीं करेगा. तो a is equal to a plus 1 लिखना या a plus equal 1 लिखना इन दोनों का एक ही मानी है. यानी basically C++ आपको increment करने के लिए एक short hand notation देता है कि आप पूरा a is assigned a plus 1 लिखने की बजाय यूं लिखते हैं a plus assigned 1. इसका मतलब यही है कि आप यूं कह रहे हैं जैसे a is equal to a plus 1 कि a में 1 का इजाफा करें वापस a में ही स्टोर कर दें राइट. दिस विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग राइट. लेट्स जस्ट ट्राई इट. तो अब चूंकि हमने b को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया था तो b में जीरो है फिर a में एक का इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया और फिर b में a में एक की वैल्यू ऐड करके उसमें दे दी तो 3 हो गया राइट. ओके देयर इज अनदर वे टू लाइक राइट द सेम थिंग. यू कैन इवन राइट इट सिंपली एज ए प्लस प्लस ये भी वही काम करेगा. ए में एक का इजाफा करके वापस ए में ही स्टोर कर देगा राइट. लेट्स जस्ट सी इफ इट डज लाइक दैट. पता कैसे चलेगा कि हमने अगर कोई और नंबर ऐड करना तो फिर दूसरा तरीका है ना आपके पास ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिखते राइट. So it does the same thing. So like C++ provides you the shorthand notation to do the increment by writing A plus equal 1 or A plus plus. अच्छा अब A plus plus के ऊपर तो ये पाबंदी है कि वो A की का इजाफा करेगा. लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप यूं लिख सकते हैं A plus equal 10. इसका मतलब आप कह रहे हैं A is equal to A plus 10, right? ए प्लस प्लस लिखेंगे तो उसका मतलब हमेशा एक ही होगा कि एक का इजाफा होगा. अब अगर आप डिफरेंट इजाफा करना चाहते हैं तो यू लिख सकते हैं. और आप अगर शुरू में आपको लगता है नहीं यार ये बड़ा गंदा सा सिंटैक्स है ये मुझे नहीं समझ आता मैंने नहीं ऐसे लिखना तो ऐसे लिखते रहे
नो प्रॉब्लम बी एक्सप्लिसिट जब तक आप इजी महसूस नहीं करते आप ऐसे डायरेक्टली एक्सप्लिसिट अंदाज में लिख सकते हैं राइट सो ऑल दोज थ्री स्टेटमेंट्स मैट द सेम थिंग एक ही काम कर रहे हैं अच्छा ए इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट इसी तरीके से आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं ए इज इक्वल टू और ए इज साइन ए माइनस वन राइट What is like? What have I done? So C. आज भी semicolon रह जाते हैं और आपके साथ आज भी interesting problems होते रहेंगे लेकिन वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपके साथ तब होंगे जब आप प्रोग्राम करेंगे उनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रोग्रामिंग की ही ना जाए ना प्रोग्रामिंग करेंगे ना ये पेनफुल एरर्स आएंगे ना सर में दर्द होगा ठीक है वैसे भी यहां सोच के थोड़ी आए थे कि प्रोग्रामिंग करनी है राइट तो सबसे अच्छा जिंदगी गुजारने का सबसे अच्छा तरीका यह है बी नाई का पिजन क्लोज योर आईज सिट डाउन लाइक दैट एंड इमेजिन दैट देयर इज नो कैट अराउंड दैट्स द बेस्ट वे टू लीड योर लाइफ Right? So just imagine that no, there is no cat around and the cats are there and they will chew you, rip you apart for sure. So imagine ki ek billi aapki haddiyan kha ke. So like this is getting recorded, you will get it. Ye aa jayega YouTube, ye aapke liye record kar raha hu, you will get it on the YouTube. ओके यही डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है अच्छा इसको पहले चला लें बिकॉज अभी हमें एरर मौसूल हुआ था तो दिस इज अब ए में डिक्रीमेंट हुआ तो ए वन से कम होके जीरो हो गया डिक्रीमेंट को आप यू भी लिख सकते हैं सो दैट मींस ए इज असाइंड ए माइनस वन दैट विल डू द सेम थिंग और आप a माइनस माइनस b लिख सकते हैं दैट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग राइट सो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू लाइक इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट इज लाइक ऑफ वन एंड यू कैन इन एड एज मच एज यू वॉन्ट राइट एंड यू कैन डिक्रीमेंट द वैल्यूज एज वेल इन द सेम वे Now, the next thing is that we have this string data type that we have not talked about yet. We have talked about integers, we have talked about floats or doubles, and we have talked about bools, right? We have not talked about strings yet, right? So, let's see what it does for us. डेटा हैंडल करना है अभी तक हम न्यूमेरिक डेटा की बात कर रहे थे या ट्रू फॉल्स की बात कर रहे थे अगर आपको टेक्स्ट डेटा हैंडल करना है